मैं आपको ऐसे एक अच्छे प्लेस में दिखाने जा रहा हूँ, एक प्लेस में ले रहा हूँ। ये है निचलागढ़, जो आबू रोड राजस्थान माउंट आबू NH 27 से एक प्लेस आता है जो आबू रोड स्टेशन है। यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर होता है, एक हनुमान टेकरी होता है जगह, वहीं से लेफ्ट साइड का अंदर ही शॉर्ट रूट है, जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। हम उसी जगह आज जा रहे हैं देखने के लिए, जो सबसे फेमस जगह है महाकुंडेश्वर महादेव धाम, या महादेव जी की टेम्पल है। अभी देखिए कितना अच्छा जगह, ये निचलागढ़ है जो लोकल एरिया का नाम है, उसे निचलागढ़ बोलते हैं। आप जानते हैं माउंट आबू हाइस्ट प्लेस में है, और यहाँ जैसे अचलगढ़ है, गुरुशिखर है, ये सब हाइट में होता है। लेकिन ये जो आप अभी देखिए फीलिंग रखे, ये नीचे नीचे जा रहे हैं। और उस टाइम गढ़ बोलते थे, जब राजाई का टाइम था उस टाइम गढ़ बोलते छोटे छोटे एरिया को, तो राजाई चलता था, राजा यहाँ शासन करते थे। तो देखिए इतना अच्छा जगह है, देखिए सुंदर परिवेश है, शांत परिवेश, पूरे शांति है। तो एक बात आप लक्ष्य करें, इतना अच्छा जगह, इतना क्लीन प्लेस है, एनवायरनमेंट तो कितना कंडीसिव है, कितना अच्छा है देखें। लेकिन दूर दूर तक कोई घर मकान दुकान कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन देखिए रास्ता कितना अच्छा है, कितना डेवलप एरिया है, दोनों साइड प्रकृति की जो छटा है, प्रकृति की नेचुरल ब्यूटी है, यही सारे जैसे ठूस ठूस करके यहीं रख दिए है। आप जरूर, आपको ऐसे फीलिंग आ रहता होगा, हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी अलग से एरिया में आ गए, कश्मीर आ गए, शिमला एरिया में पहुंच गए हैं। देखिए दोनों साइड में कितना अच्छा एरिया, कितना ग्रीनरी लैंड है। अब तक मैं बता रहा था ना, कोई दुकान मकान कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, साइड में कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है। और साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा था, अभी देखिए झरना है, बहुत ही अच्छा झरना है। और इसका जो साइलेंट एक म्यूजिक है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं इस जगह में, आपको लगेगा जो ऐसे यही ठहर जाए। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन कितना अच्छा है, रोड कितना अच्छा है, कितना डेवलप एरिया, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आ रहा है। हम जैसे एक अंदर से एक नीचे नीचे एरिया में जा रहे हैं, आपको बता रहा था निचलागढ़ है, तो नीचे नीचे एरिया में जा रहे हैं, धरती के नीचे एरिया में जा रहे हैं। छोटी से गाँव है, अभी सुबह का समय है, इसलिए देखिए गाय हमको देखने के लिए मौका मिला। देखिए गाय बछड़ा सब शायद यहाँ आसपास के जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी जरूर होगा। चलते आगे देखते हैं, कितना अच्छा जगह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर। देखिए कितना अच्छा जगह है, और पहाड़ी और जो निर्मल आकाश है, सबसे अट्रैक्टिव जो इसका नेचर है। देखिए रास्ते देखिए कितना अच्छा, साइलेंट वैली ऑफ आबू रोड में बोलूँगा इसको, सचमुच शांति एरिया है, यहाँ शांति का जोन है। जो दूर में दिखाई पड़ता है छोटे घर है थोड़ी बहुत, और ये मक्की का खेती करते हैं लोग देखे इस एरिया में। आप जानते हैं राजस्थान में थोड़ा स्कंटी माना रेनफॉल होता है, कम रेनफॉल होता है, इसके कारण से यहाँ गेहूँ बाजरा इस टाइप का बनाते, फिर भी आजकल डेवलप हो गया, दूर से कुछ मकान दिखाई पड़ रहे थे, अभी हम लगभग पास हो गए एरिया में। और ये खजूर का पेड़ है, आप जानते हैं। चलते आगे देखिए कितना अच्छा, और ये जो मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है इस एरिया का है, वो लोग कहाँ दूर दूर से इस जगह को आए, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन इस जगह का जो महत्व है, इस जगह का जो वैल्यू है, बहुत ही अच्छा। आप इसी रास्ते से आपको मालूम पड़ जाता है कितने लोग आते होंगे इस एरिया में। और ये दाएं तरफ से देखिए नदी है, शायद बनास रिवर का ये बंस है लग रहा है मुझे, ऐसे डॉक्टर साहब हैं। और कितना अच्छा लग रहा है देखिए परिवेश, निचलागढ़, और हम आकर के लगभग पहुँच ही गए हैं। ये मंदिर का परिसर है, आपको दिखा रहा हूँ मैं जो एरियल व्यू है, हम अभी अंदर जाएंगे, अंदर से और ज़्यादा मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा दोस्तों। और ये मंदिर का एंट्रेंस का परिसर है, आप देखें जरूर आए इस जगह में, कितना अच्छी जगह है। माधव टेम्पल है, और हमारी गाड़ी अभी पार्किंग कर दी है, अभी रख दी है, हम अभी एरिया को घूम रहे हैं। चलते आगे देखते हैं,
दोस्तों, ये आपको एरिया दिखाने जा रहे हैं। ये आवरण का सबसे अच्छा जगह निचला गढ़ बोलते हैं। ये आवरण से लगभग 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूर है और अभी हम आकर पहुंच गए हैं। मैं अभी अंदर दिखाता हूं पूरे मंदिर की। और ये शिव जी की मंदिर है और इसका नेचुरल व्यू इतना अच्छा है, मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी सारा। बहुत ही अच्छा जगह है, चलते आगे मैं अंदर दिखा रहा हूं कितना अच्छा जगह है। दोस्तों देखें, ये हम आकर पहुंच गए। मैं आपको जो अभी दिखा रहा था, ये मंदिर का प्रांगण है जो एंट्री करने के लिए रास्ता है। साइड में ये वाटर जो ऊपर से फ्लो होता है, वाटर आता है, इसका थोड़ी सी झलक है और आपको आगे दिखा रहा हूँ दिखाने। ये देखिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप कभी आते थे राजस्थान माउंट आबू से, मैं आपको ये डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ। ये निचला गढ़ है, ये आबू रोड मैन रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर है। आप कभी आते थे NH 27 से लेफ्ट साइड में हनुमान टेकरी है, वहीं से आपको एंट्री करना पड़ता है। आपको किसी को पूछे तो बता देंगे, नहीं तो आप गूगल में सर्च में आपको मिल जाएगा इसका। ये देखिए, मैं अभी मंदिर के सामने हूँ, मारकुंडेश्वर महादेव धाम पिचलागढ़। ये आप देख सकते हैं, वो बहुत ही फेमस जगह है और हर टाइम यहाँ भीड़ रहता है। आज भी आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, चलते अंदर तक, आज मजा करेंगे वहाँ। और दोस्तों कुछ भक्त आए हैं यहाँ से, बाहर से आते हैं यहाँ से, लोकल भी आते हैं। और खाना पाना कितनी किस्पती है, यहाँ खाना बनाने की व्यवस्था भी रही है। और ये जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर के तरफ से बनाया गया है और यहाँ खाना बनाने के रहने का व्यवस्था भी, ठहरने का व्यवस्था भी है। बच्चों ये हमारा गाड़ी पार्किंग है, पहले इधर दिखाता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ आपको सारे। ये देखिए कितना अच्छा लगा, इसका नेचुरल ब्यूटी ही कितना अच्छा है। और ऊपर का जो वाटरफॉल है वहाँ से पानी आता है, ये अभी भी नया बनाया गया है और यहाँ से पानी जा रहा है। आपको आवाज आता होगा जरूर, और भी दिखाऊंगा इसके पास में। ये मंदिर का प्रांगण है, और आगे दिखाने की कोशिश कर, कुछ खाना बन रहा है। और ये देखिए बाबा जी है, मंदिर है, हम मंदिर को भी जाएंगे अभी फिलहाल। ये वटवृक्ष है, कितना बड़ा वटवृक्ष देखा। चलते हमारा ग्रुप चले गए, मैं पीछे रह गया, मैं आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये वाटरफॉल है, ये पहले बार देख लीजिए अच्छी तरह से एरिया को। फिर मिलेंगे सबके साथ, मिलेंगे कैसे या क्या व्यवस्था है सारे पूछेंगे। और रेडी हो गया हमारा नहाने के लिए, चप्पल में सोचता हूँ। नानकुंड है, ये पीने के पानी है, गौमुख है, जैसे ऊपर में माउंट में गौमुख है इस टाइप का है। और ये शिव जी के मजे से देखिए महाराज जी, और ये पानी ऊपर से आता है, पानी से कितना अच्छा लगा। और माता होते अच्छा
ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये सारे देखे वाटर का साउंड आता होगा आपको जरूर, पानी कितना तेज कितना है और ये नीचे जाता है। मजा मिल गया और ये स्लिपी है लेकिन स्लिपरी है लेकिन शाम अंकल था और माँ का विषय है चालीस से चालीस। और ये जो है ये रास्ता है सर, ये मंदिर जाने के लिए जो मुख्य मंदिर है उस पर जहाँ शिव जी का हम भी जाएंगे वहाँ जाने के बाद। और ये देखिए आपको मैं नीचे से दिखा रहा था, ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, एरियल व्यू बहुत ही अच्छा जगह है, आप जरूर आए। एक ही दिन में सारे मजा ले लेंगे। इतना अच्छा है ये दोस्तों देखे ऋषभ जी, और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर का पूरा अंदर, ये नाहत नहर है और ये देखिए रास्ता है, छोटे से रास्ता है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आपको किसी तरह से दिखाऊंगा। तो ये देखे ये गेट है मंदिर जाने के लिए छोटे से महादेव जी के मंदिर, और अभी मैं चल रहा हूँ खुद अकेला मंदिर के पास भगवान जी को मिलने के लिए। देखते हैं ऊपर क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा जगह, बहुत ही शांति परिवेश है, आप जरूर आइए इस जगह में। और ये देखिए ये पहले आते ही छोटे से गुफा है, जय महादेव। ये देखिए ये टोटल पहाड़ पत्थर की ये घंटी है, मैं पावर से फूल है कुछ, अंदर चलते हैं महादेव से मंदिर, बड़ा झुक करके जाना पड़ता है, हम कुछ अकेले यहाँ शिव जी शिवलिंग है आराध्य देवता है यहाँ के, ये देखिए शिव जी, और मैं थोड़ा झुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर है आपको आवाज खुल सकता होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा जगह सुंदर है, यहाँ लाइट की व्यवस्था भी किया गया है। ये देखिए हम जल्दी आए सुबह सुबह इसी कारण से पूजा आरती का टाइम हुआ नहीं, अभी ऊपर चलते हैं देखते हैं और कुछ चीज है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको छोटे छोटे से सारे बारीक चीजें जो है यहाँ दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये भक्त वृंद यहाँ यज्ञ का कुंड है, छोटे यहाँ हवन होता है, और ये माँ सरस्वती जी की छोटी सी साइट में टेम्पल है। और अभी ऊपर चढ़ते हैं हम, और मैं आपको जिस तरफ वो वाटरफॉल का दिखा रहा था वहाँ राइट साइड में है, और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से शायद ये पानी आ रहा है मंदिर से, मैं यहाँ पूजा हुआ है शायद। ये जी बहुत ही पुराना टेम्पल है, ये साइड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्श्व देवता बोलते हैं। और मैं अंदर कोशिश कर रहा हूँ, मार्कंडेश्वर महादेव यहाँ गुरु की प्रतीक्षा महादेव जी है। मैं ये मंदिर का अंदर के हिस्सा अंदर की जो आपको साल दिखा रहा हूँ, ये दानपति है जी, ये चंदन का पेड़ है और शिव के पूरा व्यू आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हनुमान जी का ये यहाँ पर मूर्ति है, मैं आपको दिखाऊँ पूरा डिटेल्स में, अभी फिलहाल ऐसे दिखा रहा है। ये देखिए चलते और नजदीक से दिखा रहा हूँ, रामदेव राज जी से आए देखिए नजदीक से, आज मेरा सौभाग्य है मिलने के लिए।
गुजरात की माला है सर, मंदिर है, मंदिर का अंदर का हिस्सा और ये जो गुम्बुज है उसका ऊपर आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये तरह से बनाया गया है। ये जो वीडियो है बहुत लंबे हो जाते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और देखने लायक है, आप ज़रूर देखें। तो जो सेकंड पार्ट है मैं इसको यहाँ फर्स्ट में वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में आप देखने को मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहाँ का जो महंत है, यहाँ का जो गुरु जी है, वो रेयर केस में मिलते हैं गुरु कबीर जी, संत कबीर जी, आपको उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप ज़रूर देखें सेकेंड पार्ट में। और आप जानते हैं निचलागढ़ एक ऐसे प्लेस है, ऐसे आध्यात्मिक प्लेस है, कितना सुंदर जगह है, नेचुरल ब्यूटी में भरपूर है और सबसे नीचे जगह है माउंट आबू का, इसके बारे में तो ग्रंथों में बहुत सारा है जी। हाँ, बहुत सब ऋषि और महाकंडेश्वर ऋषि सब ऋषियों ने आश्वासन महाकंडेश्वर को दिया था और वो मृत्युकाल का इन्होंने भोजन किया था। और ये